Buck up, boys, buck up! Catch it! पहले कैप्टन पहले कैप्टन करके कैप्टन शायद पीछे शायद पीछे शायद पीछे एक सेकंड हां आ गया घर में पहली एंट्री क्या शीट एंगलिंग कर रहा है क्या किसी को है किसी में हेलो अब बताओ से अभी अभी पुरानी लग रही है अभी पुरानी लग रही है पुराना कर देंगे आ गए आ गए पुराना पहले कुछ तो करें कुछ तो करें यहीं बैठा हूं कुछ तो करें तू खेल रहा है कुछ करने आ रहा है तू बॉडी पर टारगेट नहीं बोल क्या पूछो मैं चिल्ला मैं हो गया मेरा खाने को कुछ ओके व्हाट्स अ केक मैंने गाइस जरा सब लोग इधर आ करेंगे लोग
नहीं इसको पूछेगा मैं खड़ा खड़ा रहना बैठना नहीं सुनना मिट्टी लूज थी पता है मेरे को लगा था रुकेगा जो टप्पा पड़ के खेलेगा ना तेरे को रबर की बॉल आ रही है बैंग बैंग ऐसे टप्पा पड़ के खींच रही है यार बॉल यार अगर आप कैमरा बंद कर लो तो मैं जरा पैंट उतार के अपना गार्ड कर दूंगा position to play and not score runs yeah got it gotcha let's okay, go come let's go आज के मैच का ओकेजन बताइए किस ओकेजन पे खेल रहे हैं आप लोग क्या चैरिटी है क्या मतलब बेसिकली मैच हो रहा है ताकि जो भी इससे फंड्स कलेक्ट होंगे वो इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उन्हीं के वेलफेयर में यूज़ करेंगे सो बेसिकली द मनी इज गोइंग टू गो बैक टू द इंडस्ट्री कितने एक्साइटेड थे आप मैच स्टार्ट होने से पहले बहुत अभी तो खैर सब लग चुके हैं पूरी तरह मतलब खेल खेल के नहीं हम लोग अभी भी थोड़ा रेगुलर खेलते हैं तो हर मैच एक्साइटिंग होता है खेलने के लिए मिल जाए इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है सो डेफिनेटली वी वांट टू विन एंड वी वांट टू विन बाय अ ह्यूज मार्जिन तो आधा काम तो हम लोग कर चुके हैं अब आधा काम करना बाकी है और कोई कुछ बोलना चाहेगा बोलो यार इट्स अ बिग ओकेजन बिकॉज़ यू आर गिविंग बैक टू द इंडस्ट्री हु हैज व्हिच इज गिविंग अस वर्क वन सेकंड इट्स गिविंग बैक टू द वर्कर्स हु बेसिकली आर द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री तो खुशी की बात ये है एंड द कॉज जो है वो सबसे बड़ी बात है यहां पर जिसके लिए हम यहां पर आए हैं तो क्रिकेट तो है ही And Jay, you want to add to that? No. Same pinch. काफी जल्दी out हो गया। हाँ जी। Out जल्दी हो गया। हाँ थोड़ा सा you know bad luck देना था। Bad luck चल रहा था। हाँ मतलब हमने actually हमारे जो 11 के 11 players हैं वो सब bat करते हैं आज वैसी team हमें मतलब you know सबके सब players अपने you know busy schedule से time निकाल कर खेल रहे हैं। हमने यही सोचा था कि जो भी जाएगा वो मारने के लिए जाएगा आपने उसके बाद देखा होगा कि सबके सब players मारने ही जा रहे थे काफ़ी लोगों ने तो 50 रन बना लिए हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ है 240 जो जिंदगी में सामने वाली टीम नहीं बना सकती प्लेयर सिचुएशन के हिसाब से अच्छा है बुरा होता है हाँ जो बेस्ट प्लेयर था उसको हम लोगों ने आज इसलिए हमें बाहर रखना पड़ा क्योंकि चैरिटी मैच में सबके सब चैरिटी कर रहे हैं ये अपना विकेट देकर आ गया चैरिटी में मुदस्सिर ने अपना विकेट फेंक दिया चैरिटी में तो हाँ तो बोलो भाई मतलब वी ऑल ऑफिस वी ऑल डेफिनेटली आर आई थिंक बॉक्सी बॉयज इज व्हाट वी गाइस स्टैंड फॉर एंड बॉक्सी इज अ टीम दैट वी बीन टुगेदर अभी 10 साल हो गए अभी तो हम लोगों के यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से हर रोज कोई एक बेस्ट प्लेयर खड़ा होता है कोई हीरो निकलता है वो डिपेंड हमेशा सिचुएशन के हिसाब से ही करता है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सबसे अच्छा प्लेयर होगा उस दिन का बट एज पर अगर हम लोग अपने विकेट कीपर के पैड्स उतरवा ले तो हमारे पास बॉलर भी क्या रहे सो
दो अंदर भी हैं, मतलब आज जो 16 प्रोबेबल्स जो थे जिसमें से ऑब्वियसली 11 लोग फील्ड पे हैं, वो 16 के 16 बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं. सो बट बेसिकली सबसे पहले तो इस कॉज के लिए साथ में आना ज़रूरी था, और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ ये थी कि अपने बिजी शेड्यूल से हम लोग ऐसा हो नहीं पाता है बहुत बार कि सबके सब लोग एक साथ इकट्ठे हों. सो थैंक्स टू द गोल्ड अवार्ड कमेटी कि हम सब लोगों को यहाँ पे बुलाया. एटलीस्ट वी आर गेटिंग टू स्पेंड सो मच ऑफ सच अ गुड टाइम विद ऑल ऑफ अस. एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग दैट बॉक्सी बॉयज गेट्स टुगेदर. या इट्स अ गुड थिंग. सब कुछ बोल दिया हमारे कैप्टन. अब आप बीच में. सॉरी, बस चेस करने की कोशिश कर दी हमने. कह दिया अभी जितना स्कोर बना दिया एक बढ़िया सा. अब देखते हैं क्या होता है. थैंक यू. कम ऑन बॉक्सिंग. हाँ चलो, हमें जीतना भी है यार, जल्दी करो. और जीतेंगे तो 12 बजेंगे, यू नो ग्राउंड हमारे पास 11 बजे. तो क्या लगता है आपको, आप जल्दी करना भाई. हम आंसर देते तो क्वेश्चन बनाने का मैच देखने दो. वो देखो, ओ पहली बॉल, पहली बॉल नहीं हुई. चलो सबसे पहले कितनी तैयार है आपकी टीम अब खेलने के लिए. अभी दिख नहीं रहा इससे ज्यादा. और क्या और इससे ज्यादा क्या तैयार होके आएंगे. अच्छा ये अंदर से पूछ रहे हैं. अंदर से वीआईपी. चलो नहीं, फुल रेडी है हम. इट्स अ टफ फाइट और बहुत बड़ा स्कोर बना दिया उन्होंने, हमें पता है. विकास इज अवेयर, मानव हमारे कैप्टन जो अवेयर है, हमें पूरा एक पपअप देखे गए हैं. और वी आर प्लेइंग टू एंजॉय एंड इट्स फॉर एन इवेंट और एक चैरिटेबल कॉज के लिए. सो वी कम टू एंजॉय एंड वी होप कि जिस कॉज के लिए विकास ने इतना सब कुछ अरेंज किया है वो हम फुलफिल कर पाए और हम चैरिटी में बहुत सारे रन्स दें. दिए चैरिटी में. अब लेना है रन्स दे दिए, अब मतलब लेंगे. लाइट तो ऑन कर ले यार. हमारी टीम का बेस्ट प्लेयर ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर. वो चले गए ना भाई. अब बताओ. अच्छा मेरा. अब बताओ. चलो सब देखो देखो सब सबसे पूछ लो तुम्हारे अनुसार. मैं तो हूँ यार बीसीएल. यार सुयश बीसीएल में तो हम ही है. सुयश आज खेल भी बीसीएल जैसे ही रहा था. हां क्रिकेट बॉलर समझ गया. वेट कर रहा था जैसे वन टप पड़े मैं बॉल पकड़ूं. दो छोड़ दिया हमें. आदत पड़ गई है से रिप्ले की. आराम से खड़े देखने की. ओ वाओ अब आएगा पंप अगली बॉल का. चले थैंक यू. थैंक यू. ओके थैंक यू. और क्या लगता है क्या स्ट्रेटजी रखने वाले हैं. स्ट्रेटजी करेंगे. अब जाने दो तो बताएं. 15 ओवर में चेस करेंगे. स्ट्रेटजी मारने की है बस. तो बस शुरू कर रहे हैं मारना हम. चलो ठीक है. और पता है हमने ओपनिंग में किसको भेजा है. यमराज को. हाँ तो आप समझ सकते हैं जब यमराज खुद बैटिंग करने उतर गया तो उसके अलावा आपको क्या चाहिए. चलो बहुत बढ़िया. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. जीत के मिलते हैं. हर ओवर में 10 रन चाहिए. दोनों
यहाँ तक है, यहाँ तक लेट कटर मारा।